काश तू भी कभी दिखाई दे। हद है बेशर्मी और डिटाई की। पूरे घर में किस तरह से जेंडर आता फिर रहा है? कोई रोकने वाला है ना, कुछ बोलने वाला है ना, टोकने वाला है। तुमने मुझे अपनी कसम देके ना मुझे खामोश नहीं कराया, बल्कि उसके मुंह जोर इरादों को बेलगाम कर दिया है। देखा तो तुमने, देखा था ना किस तरह आंखों में आंखें डाल के अपनी जुर्रत दिखा रहा था। मम्मी प्लीज कंट्रोल करें खुद को, आपका बीपी फिर से शूट कर जाएगा। ये बीपी तो अब तभी कंट्रोल में आएगा जब वो इस घर से जाएगा। वो नहीं जाएगा, वो वापस ही जाएगा। क्यों वापस ही जाएगा? तुमने उससे बात की है? कब बात की तुमने उससे? तुमने उससे बात की क्यों? हाँ मैंने उससे कोई बात नहीं की, लेकिन उसने बाकी सब घर वालों को बता दिया है। मैंने इसीलिए आपको उसके रूम में जाने से रोका था। वो तो शायद सारी सूरत हाल के लिए तैयार होके आया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। नहीं बेटा, मुझे समझ आ गया, सब समझ में आ गया मुझे। वो यहाँ सारी सिचुएशन का ना जायजा लेने के लिए आया है। वो ये देखना चाहता है कि अगर सब कुछ पुरअमन है तो वो फौरन अपने बीवी बच्चों को यहाँ बुला ले। बगैरत बेशरम लेकर आता था अपनी बीवी बच्चों को साथ में, तब पुश्ती में, लेकिन क्यों लेकर आता? उनके सामने तो जिल्लत होनी थी ना उसको। लेकिन नहीं बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूं, मेरे जीते जी तो इस घर में वो किसी को नहीं बुला सकता। अच्छा अच्छा, आप अपने आप को संभालें, मैं पानी लेके आती हूँ आपके। बस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। इतनी जल्दी आपने हार भी मान ली? पहले खेलता था ना तो एक्टिव रहता था, खेलना छोड़ गया तो थक गया हूँ यार। ईमान आप बिल्कुल भी नहीं थकती थी, गेम के एंड तक खेलती थी। तुम्हारी ईमान आप ही बहुत हिम्मत वाली जो आसानी से हार नहीं मानती है। अगर ईमान आप ये सुने तो वो कितना खुश होंगी। मुझे बताओ मेरे जाने के बाद अब्बू अम्मी का ख्याल रखा है तुमने? मैं तो छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो सब क्या ख्याल रखूंगा। अभी तो ईमान अपने अब्बू का ख्याल रखती हैं और उनकी दवाइयाँ भी वही लाती हैं। तुम्हारी और शिफा की फीस वो कौन देती है? वो भी ईमान अपनी देती है। आपको पता है मुझे ना शिफा अपनी कह रही थी तुम इस घर के इकलौते सहारा हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुमने पढ़ना है, बड़े आदमी बनना है और फिर अब्बू अम्मी का भरोसा भी तो वापस लाना है। उनका भरोसा मैंने तोड़ा और मैं ही वो भरोसा वापस ला पाऊंगा। तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, खेलना है, लाइफ को एंजॉय करना। ओके, तुम्हारा बड़ा भाई जो वापस आ गया सब ठीक कर देगा पहले की तरह। चले बाहर चल के खेलते हैं। वादे रह गए आधे, पूरे हुए हम जुदा, राह बदली निगाहें, वक्त रहा है ये दिखा। क्या कर रही हो, देख के चलो ना। अरे वाह,
कपड़े तो बड़े अच्छे पहने आपने, मगर मेरा ख्याल है कोशिश बेकार नहीं है। जब गैर शादीशुदा थे, जब आपको नहीं देखते थे, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, वो भी लव मैरिज, फिर क्यों? अगर तुम मेरी बहन नहीं होती तो इस वक्त तुम्हें थप्पड़ मारती मैं। सच कड़वा लग रहा है आपको? सरिश, मैं लिहाज कर रही हूं, तुम भी ख्याल करो, बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। छोटी हूं लेकिन आपसे कहीं ज्यादा अच्छी हूं, इसके बावजूद हर कोई आपकी तारीफ करता है, हर कोई आपसे ही मोहब्बत करता है, इसीलिए मैं आपसे नफरत करती हूं, सिर्फ नफरत। मुबशर उठ जाए ना, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैंने मशीन लगाई हुई है, आप ही चेंज कर लें तो आपके कपड़े भी धो लूं। अरे कोई जवाब ही दे दें, आप तो बिल्कुल ही खामोश होके लेटे हुए। मुबशर, मुबशर, मुबशर। लड़की है, बस आप यूं समझें कि आपकी दुआओं जैसी है। वो मेरा दोस्त था ना पुराना मुकर्रम, उसकी बेटी है। जी जी वही वही, उस वक्त तो वो बच्ची थी, अब तो माशाल्लाह समन जैसी हो गई है। हाँ, और सूरत और सीरत भी समन जैसी ही है, लेकिन आप उसका तायाजात के साथ निकाह टूट चुका है। खानदान वालों की मर्जी से हुआ था, मतलब कि बच्ची की पसंदीदगी भी शामिल है। जी जी मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं इस बात की बुनियाद पे खुदा ना खास्ता उस बच्ची को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा। आपा, मैं आहत को अच्छी तरह जानता हूँ, वो हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मोहब्बत में मिलावट नहीं। इसलिए मैं हर तरह तस्दीक करना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई पुरानी हसरत ने बच्ची के दिल में जगह ना की हो, वरना बच्ची तो इतनी अच्छी है कि दिल चाह रहा है कि उसे आज ही बहू बना के घर ले आऊं। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, आप दुआ कीजिएगा। जी जी आमीन आमीन, आपको भी अल्लाह अपने अमान में रखे। खुदा हाफिज़। हाफिज़। ईमान। जी ताई अम्मी। बेटा मुझे तुम्हारे ताई की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं नहीं, तुम ऐसा करो उनके सर पे पट्टी रखो, मैं उनकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। जी अम्मी, कहाँ जा रही है? तुम्हारे अब्बू की दवाई लेने जा रही हूँ, तुम जाके उनके पास बैठो। अब्बू को क्या हुआ? बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने टेंशन ज्यादा ले ली, इसलिए तेज बुखार हो रहा है। जाओ अपने अब्बू के पास। अम्मी आप अब्बू के पास जाएं, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, बेहतर है तुम हमारे मामलात से दूर रहो।
बहुत पसंद हो मुझे। दिल बहुत शिद्दत से मायल है तुम्हारी तरफ, पर मैं मोहब्बत में हिस्सेदारियों का काल नहीं हूं ईमान। हमारा मिलना तभी मुमकिन हो सकेगा जब तुम्हारे दिल के बेदाग होने की गवाही मिलेगी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है, बस आप इनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। बेटा, जो तुमने दवाइयां बताई थी वो तो मैं ले आई थी, तुमने डॉक्टर को क्यों बुला लिया? नहीं ताई अम्मी, मैंने तो मैंने तो बुला लिया था पहले ही, अब मुझे नहीं पता था आप क्लिनिक गई हैं दवाई लेने। तायबू की तबीयत बहुत खराब थी ना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, मैं देखती हूँ। आपने बुलाया? तुम मुझे बता सकती हो कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही हो? जिशान भाई के आने की खुशी में। बको मत, जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दो। तो जब सच सुना नहीं जाता तो पूछती क्यों मैं? सब देख रही हूँ, सब नजर आ रहा है मुझे। तुम्हें देखकर कोई कह सकता है इस घर के हालात कितने नासाजगार हैं? तो पहले तो साजगार ही था, आप ही ने खराब किया है ना। तुम्हारे दिलों का पानी मर गया बेटा, दुश्मन के आने का जश्न मना रही हो, बहन की तकलीफ का एहसास नहीं है? अम्मी, क्या आप मुझे खुश नहीं देख सकते? ईमान आप ही के लिए तो आपका दिल दरिया बन जाता है, झोली भर भर कर उन्हें दुआएं देती है। जब वो जिशान भाई को माफ करके आगे बढ़ रही है तो हम क्यों बुरा बने? वो तो बेवकूफ है, तो क्या हम भी बन जाएं? बेवकूफी में भी अपने साथ बुरा नहीं करी, अच्छा ही करी। यूनिवर्सिटी जाओ तुम। नहीं जाऊंगी मैं, ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। हाँ! तो मुझे डरा ही दिया। तुमने मुझे डरा दिया सरेश। आप किचन में कर क्या रहे हैं? चाय बना रहा हूँ, और क्या पियोगी? वैसे चाय तो मुझे भी बहुत अच्छी बनानी आती है। अच्छा, तो फिर आओ बनाओ चाय। अच्छा है ना कि आज अच्छी चाय पियेंगे? अपने हाथ की चाय पी पी कर थक गया था मैं। क्यों, आपकी मिसेज को चाय बनाना नहीं आती? वैसे हैरत की बात है, आप उन्हें छोड़कर यहाँ आ गए। मिस कर रहे होंगे, है ना? मिस कर रहा हूं, बल्कि मिस कर रहा था, तभी तो अपनी फैमिली के पास वापस आ गया। ये रुको, मैं आपके मिसेस की बात कर रही हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें सूटकेस में छुपा कर लेकर आए? क्या सरिश, तुम आज भी वैसी की वैसी। चाय लाइट लगता है फिर फ्यूज उड़ गया है। चलो मैं चेक करता हूँ। आपको पता है ना ब्रेकर्स कहाँ लगे हैं? सहरेश में पहले इस घर में ही रहता था।
कैसी हो ईमान? अपने नाम की तरह आज भी हर रिश्ते से ईमानदार। मुझसे नहीं पूछोगे कि कैसा हूं? धोखेबाज, झूठे, खुदगर्ज, वादा खिलाफ, इतना सब कुछ तो सुन चुके हो सबके मुंह से। मैं क्या कहूंगा? तुम लड़ोगी नहीं मुझसे? लड़ा उनसे जाता है जिन पर मान, तुम पर हक भी नहीं। कसम होने के नाते भी नहीं? अब नहीं। अलबत्ता एहतराम अपनी जगह कायम है। सुना है वफाओं का एहतराम वही लोग करते हैं जिनमें बर्दाश्त होती है। जिन्हें मोहब्बत तो ठुकरा दे लेकिन वो मोहब्बत को नहीं ठुकराते। हाँ, लेकिन जिन्हें मोहब्बत ही ठुकराते वो रास्ते से खुद ही हट जाते। इतना बर्दाश्त करोगी तो पत्थर बन जाओगी। आंसू कमजोरी की अलामत है। पत्थर ना बनती तो टूट जाती। लेकिन फिर भी दर्द तकलीफ खत्म नहीं होती। 4 साल बाद लौटे भी तो मुझे टूटता देखने के लिए। लो देख लो, पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ी। ना कोई दुख होता है और ना ही कोई दर्द। जख्मों का बोझ हुआ भारी, जब्त की रूह भी लगे हारी। जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी। जुगनू बने सपने हमारे हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। जिशान भाई की कॉल आई है। बेटा जिशान, इतने दिन बाद कॉल किया तुमने इस दफा।
पहले जल्दी जल्दी कर लेते थे कॉल, अब तो बस इतने दिन गुजर जाते हैं, बहुत याद आती है तुम्हारी बेटा, बस अब लौट आओ। अबू कैसे हैं दादी? अरे मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। अब मैंने तो ये कसम खा ली है कि जब तक तुम ईमान के कागजात को नहीं भेजोगे ना, मैंने मिठाई को देखना भी नहीं। तो बताए जीशान, हमने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है, तुम जैसे वीजा भेजोगे ना ईमान का, हम फौरन दूसरे दिन उसको रवाना कर देंगे यहाँ से। अच्छा जीशान बेटा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ से क्या भेजू बताओ, क्या चीज चाहिए? देखो बेटा, मैं अपनी पसंद से भेज दूंगी तो पता नहीं तुम्हें पसंद आए ना आए। चाची वो मैं, अरे भी मुझे दो फोन, मैं बात कर। अरे जीशान बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी सास तुमसे पूछ रही है। अरे तो तुम अपना डंके की चोट पे मांगो जो तुम्हें चाहिए। अब्बू मुझे आप सबसे कुछ कहना है, वो यहाँ जॉब। अरे देखो, मैंने तुम्हारे जॉब और जो मसरूफियात है उनके बारे में बहुत सुन लिया, पता है कि वहाँ की जिंदगी जो है वो बहुत तेज रफ्तार है, लेकिन हमारी बेटी जो है तुम्हारी तेज रफ्तार को बिल्कुल नहीं रोकेगी, बल्कि वो तो तुम्हारे शाना बशाना चलेगी वो। हाँ बस अब तुम ऐसे करो कि जल्दी से कागजात बनवा कर भेज दो, वरना बेहतर तो यही है कि तुम खुद यहाँ पे चले आओ, यहाँ पर नौकरियां भी हैं और अपने भी हैं। हाँ जीशान, हेलो हेलो। अरे भाई ने तो अम्मी से भी बात नहीं की। अरे चलो कोई बात नहीं, वो कार्ड खत्म हो गया होगा, दोबारा कर लेगा फोन। वैसे तुम्हारी अम्मी है कहाँ? अम्मी तो किचन में है। अच्छा, अरे शमीम तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर लो। हाँ भाई मेरा तो ये जी चाहता है कि अपनी बच्ची को दुल्हन बना के यहाँ से रुखसत करो। दुल्हन? हाँ दुल्हन, सुर्ख चूड़ा पहना हो, हाथों में चूड़ियाँ हो और मेहंदी लगी हो पूरे हाथों। अच्छा लगेगा ना? क्या आपका बुखार उतर गया है, कुछ खा लेना, फिर रात को कैसे सोएंगे आप? फिक्र मत करो ताहिरा, मुझे अगर कुछ होना होता तो इससे बहुत पहले हो जाता। जिंदगी इतनी जल्दी मुझे मात देने वाली नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, जिंदगी भर का साथ है, आपसे पहले अल्लाह मुझे उठा ले। ताहिरा आप भी तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा? सिवाय बोझ के और क्या रह गया? मुझ जैसे इंसान के लिए लाचारी की जिंदगी मौत से बदतर है। मैं जानती हूं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, उसके आने से सिर्फ आप ही का नहीं, हम सबका सांस अटक कर रह गया है। सब अपने अपने कमरों में बंद है, खामोश, घर तो ऐसे लग रहा है जैसे कब्रिस्तान बन गया, और उस कमजोर को देखो पता नहीं क्या सोच कर रहा है। बात करती हूँ उससे जाके, पूछती हूँ मैं उससे। चले
मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, थोड़ा सा खा ले। आंसू कमजोरी की अलामत है, पत्थर ना बनती तो टूट जाती। 4 साल बाद लौटे भी तो मुझे टूटता देखने के लिए। लो देख लो, पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ी। ना कोई दुख होता है और ना ही कोई दर्द। सोचा था तुमसे मिलकर उन सारे सालों का हिसाब बराबर करूंगा ईमान, जिनमें तुमने मेरे लिए आंसू बहाए, लेकिन आज अंदाजा हुआ कि वो हिसाब नहीं बल्कि कर्ज है मुझ पर, जिन्हें चुकाने के लिए मुझे बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने सिर्फ मुझे चाहा और मुझसे कुछ भी नहीं चाहा ईमान। तुम्हारी बेशुमार चाहतों का कर्ज चुकाने वापस आया हूं। मुझे इस उम्मीद से मत देखो कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई हूं, यहां से लौट जाओ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तलवार को पानी पर मार देने से पानी के 2 टुकड़े तो नहीं हो जाते ना? आप लाख छुटला, लेकिन ये सच कभी नहीं छुटला पाएंगे कि मैं आपका बेटा हूं और हमेशा रहूंगा। तुम सिर्फ एक लुटेरे हो जो चंद साल पहले आए थे, हमारा सब कुछ छीन कर चले गए। आप किस नियत से लौटे हो? तुम जो छीना था वही लौटाने की नियत से आए होंगे। सबसे मुराद अगर ईमान है तो उससे दूर रहो। जिंदगी कोई लैपटॉप नहीं है जिसका एंटर और एग्जिट का बटन दबाकर तुम आ जा सको। ईमान के दिल में फिर से जगह बनाने की कोशिश मत करना। अगर तुम इस घर में रह रहे हो तो ईमान की अच्छाई है, मोहब्बत नहीं। और फिर से तुम उसकी अच्छाई का फायदा मत उठाना, वरना याद रखना ईमान की माँ की जगह तुम्हारी अपनी माँ तुम्हारे सामने खड़ी होगी। चले, आपने ये तो माना कि आप मेरी मां। मुझे माफ कर देना। Thank you.
यहाँ इस वक्त? परेशान मत हो बीजा, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा, सब सो। मेरे पास क्यों आया? देखने आया कि वो हाथ मेरे लिए आज भी दुआ के लिए उठते हैं या मैं यहां से फिर मायूस होकर चला जाऊं। तुम क्यों आजमाने आ गए हमको यहाँ? आजमाइश से तो मैं गुस्सा रहूंगी जी, अपनों के साथ रहते हुए भी अकेला मैं उस की नफरतों के साथ नहीं जी सकता। कौन है मेरा यहां बताइए, किसे जाके मैं अपने दुख सुनाऊं? क्या मतलब कौन है तुम्हारा, तुम्हारे बीवी बच्चे का है? कोई नहीं है मेरा, वो शादी मेरी खुशी नहीं थी, वो तो एक मजबूरी थी बीजा। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे और क्या सुनना देखना बाकी रह गया? मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा तुम दोनों के साथ रहने की दुआ की है, तुम दोनों के आबाद रहने की दुआ की है, लेकिन क्या हो गया न तो तुम साथ रह सके और न ही आबाद हो सके, क्या हो गया? मैं मानता हूं मेरी गलती थी, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए मैंने अपनों का दिल दुखाया, जान के आप एक बार मेरे लिए फिर से दुआ करेंगी कि मेरे रिश्ते मेरे अपने मेरी ईमान मुझे वापस मिल जाए, प्लीज। मेरे जान, मेरे बच्चे, मेरे हाथ तो हमेशा तुम दोनों के लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं। मेरे जान, मेरा बच्चा। काश तू भी कभी दिखाई दे।